वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। साजिद खान के बड़े बड़े दावों पर उनकी ही फिल्म के हीरो अजय देवगन ने क्यों जताया एतराज, एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर। जॉन इब्राहिम की फिल्म रेस 2 की स्क्रीनिंग पर पहुंची बिपाशा बासु और आपको मिलवाएंगे फिल्म आकाशवाणी के एक्टर्स से। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रिसेंटली फिल्म हिम्मतवाला के फर्स्ट लुक लॉन्च पर डायरेक्टर साजिद खान ने दावा किया कि ये फिल्म होगी 2013 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। लेकिन इसी इवेंट पर मौजूद फिल्म के लीड एक्टर अजय देवगन साजिद के इन दावों से खुद को अलग करते नजर आए। तो क्या अजय अपनी फिल्म को लेकर नहीं है कॉन्फिडेंट या साजिद खान इस फिल्म को लेकर है ओवर कॉन्फिडेंट? लेट्स फाइंड आउट। इट विल बी अमंगस्ट द टॉप 3 हिट्स ऑफ 2013 एंड it's an open challenge to anybody. No, he's lost 3 bites from me. It will be amongst the top 3 hits of 2013 and it's an open challenge to anybody. साजिद खान के एक चैलेंज की हवा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनकी ही फिल्म के हीरो ने निकाली है और साथ ही खोल दी है पोल की कैसे साजिद खान बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस पर अजय से लगाई हुई शर्त 3 बार हार चुके हैं। साजिद, hi. You're known for your box office predictions as such, and many a times they come true as well. So, what are your predictions for? No, he's lost 3 bites from me. पर अजय की पोल खोलने की वार्निंग के बावजूद साजिद खान नहीं माने। I will never make a flop film in my entire life. You know why? Because मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूं जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मजा आ गया। सो आई डोंट वांट टू अचीव ग्रेटनेस, आई वांट टू अचीव द थिएटर वाचिंग ऑडियंस का हैप्पीनेस। सो आई विल नेवर एवर मेक अ फ्लॉप फिल्म एंड हिम्मतवाला इज द ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। यू वॉच व्हाट विल हैपन। जी हाँ, ये सब हुआ है बैंड्रा के एक सिंगल स्क्रीन थिएटर में, जहां अपनी अपकमिंग फिल्म हिम्मतवाला का फर्स्ट लुक लॉन्च करने आए थे साजिद अपनी फिल्म की स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर्स के साथ। और देखिए उन्होंने यहां कैसे दिए बोल बच्चन पे बोल बच्चन। इट विल बी माय बिगेस्ट हिट, इट विल बी यूटीवीज़ बिगेस्ट हिट, इट विल बी वाशुजीज़ बिगेस्ट हिट एंड इट विल बी अमंगस्ट द टॉप 3 हिट्स ऑफ 2013 एंड इट्स एन ओपन चैलेंज टू एनीबॉडी। लेकिन अगर आप वाकई ये समझ रहे हैं कि अजय देवगन सचमुच अपने बड़बोले डायरेक्टर की पोल खोलने पर उतर आए हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है। साजिद खान के कॉन्फिडेंस के तो खुद अजय भी मुरीद हैं, बस वो तो वहीं पे बोल रहे हैं जहां साजिद का बोलते बोलते ब्रेक फेल हो जाता है। अगर वो कॉन्फिडेंस है तो आई जस्ट कीप टेलिंग हिम दैट व्हाई शुड वी टॉक अबाउट इट। इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क विद अ डायरेक्टर हु इज सो कॉन्फिडेंट, ए फॉर वन। और फिल्म देखने के बाद फिर वो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। और प्रोमो अभी आपने देखा तो आई थिंक एवरीथिंग पुट टुगेदर वो कॉन्फिडेंस जरूर है, बट आई डोंट थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। इसीलिए जहां अजय कोई भी बड़ा दावा करने से बच रहे हैं, साजिद ने डिक्लेयर किया था 3 दिन तक टिकट नहीं मिलने वाली। ये इस डिस्कशन में ना हम घुसेंगे और ना हम जाना चाहते हैं। नहीं मिलेगी है ना साजिद? अभी भी बोलो नहीं मिले। व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट? एग्जैक्टली, शी ब्रॉट इट अप। भगवान करे नहीं मिले, मगर अगर 3 दिन में टिकटें मिली हाँ। तो फिर उसके बाद तुम नहीं मिलोगी। वहीं साजिद अपने कॉन्फिडेंस की दुकान सजाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं और करते जा रहे हैं एक के बाद एक टॉल क्लेम्स। You've always been confident, but with this movie you've made declarations like never before. No, I've always made declarations on all my films. अपनी हर मूवी के लिए साजिद का क्लेम और भी बड़ा होता जाता है। यानी लगता है मार्केटिंग के जमाने में साजिद इकलौते ऐसे डायरेक्टर बनते जा रहे हैं जो अपने काम को बेचने की कला अच्छी तरह सीख गए हैं। जो काम कोई पीआर मशीनरी भी अच्छी तरह नहीं कर सकता, वो काम खुद करने का हुनर सीख गए हैं साजिद खान। वो चीख चीख कर खुद ही करने लग जाते हैं अपने ही काम की तारीफ। और शायद इस बार भी वो अपने बोल बच्चन की ऊंची बोली लगाकर निकल जाते, पर उनको क्या पता था कि उनके ही सेनापति खोल देंगे उनकी ही पोल। इट विल बी अमंगस्ट द टॉप 3 हिट्स ऑफ 2013 एंड इट्स एन ओपन चैलेंज टू एनीबॉडी। नो, he's lost 3 bites from me. for Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. रेस 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग पर कई बॉलीवुड एक्टर्स नजर आए, लेकिन इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट बनी एक्ट्रेस बिपाशा बासु, जो यहां जॉन की मौजूदगी के बाद भी नजर आई। टेक अ लुक। रेस 2 फिल्म जितनी ग्रैंड लग रही है, उतनी ही ग्रैंड तरीके से इस फिल्म की स्क्रीनिंग भी रखी गई, जहां फिल्म की स्टार कास्ट तो पहुंची ही, साथ ही यहाँ आए कई स्टार्स टू विश द रेस 2 थी। यूँ तो यहाँ कई सारे स्टार्स को हमने स्पॉट किया, मगर स्क्रीनिंग का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा ये नजारा, जहाँ जॉन के बाद हमने यहाँ कैप्चर किया बिपाशा बासु को। अब जब एक एक्स कपल एक साथ एक रूफ के नीचे पाया जाएगा तो खबर तो बड़ी बनेगी ही ना। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात हमने यहाँ नोटिस की, जैकलीन और जॉन यहाँ साथ में पहुँचे और जब जैकलीन मीडिया से इंटरैक्ट कर रही थी तो पीछे से जॉन भागकर अंदर चले गए और जॉन के अंदर जाते ही मीडिया ने स्पॉट किया बिपाशा बासु को। शायद जॉन को पहले से ही इस बात का पता चल गया था, इसीलिए बिपाशा को फेस करने के डर से वो अंदर चल दिए। जॉन और जैकलीन के अलावा यहाँ पर सैफ, दीपिका और अमीशा भी आए हुए थे। अब्बास-मस्तान भी अपनी फिल्म को लेकर काफी खुश नजर आ रहे थे। यहाँ पर कमी थी तो सिर्फ अनिल कपूर की। जहाँ जॉन और जैकलीन ने फिल्म नहीं देखी थी, वहीं सैफ, दीपिका और अमीशा सीम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रोजेक्ट। लिसन अप। Let's see what happens on the holiday and let's see what happens in the opening. I think it's a fun film. You know, I saw it yesterday and I liked it. And now it's up to the audience. So fingers crossed. Nervousness, तो हम सब feel करते हैं film release के पहले. But I think we're very confident about the film. मैं बहुत खुश हूँ कि film कल release हो रही है. It's been a wonderful journey. And now I hope that when the audience sees the film tonight and from tomorrow onwards, that they enjoy the film. I don't know. I'm going to see it now. I'm very excited. Today is actually the first time I'm seeing the movie, so I'm extremely excited actually. ये रेस 2 है. जितना कहे उतना कम है. मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी confidence है कि ये फिल्म दर्शकों को बहुत बहुत लुभाएगी। पूरी पैसा वसूल फिल्म है। इसमें अमेजिंग लोकेशंस, गुड लुकिंग एक्टर्स, ग्रेट एक्शन, सुपर म्यूजिक एंड अमेजिंग स्टोरी लाइन है। बिपाशा और प्रियंका यहाँ पहुँची टू विश द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। देखिए, मैं यहाँ पे अब्बास भाई, मुस्तन भाई, हुसैन भाई, रमेश जी, जयू जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सबको बधाइयाँ देने आई हूँ। एंड रेस वॉज अ वेरी बिग हिट फॉर मी. And I have come to see the film, enjoy it. I had to be at another event, which is why I just came to wish that. और इनके अलावा यहाँ रितेश, चुनेलिया, यामी गौतम, शर्मन जोशी, अदिति राव हैदरी, मधुर भंडारकर, वाशु भगनानी, तब्बू, सोफी चौधरी, आदित्य पंचोली भी आए टू विश द रेस 2 टीम. कितनी एक्साइटेड है रेस को लेकर? बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मुझे रेस भी बहुत पसंद आई थी एंड आई एम स्पेशली रूटिंग फॉर जॉन. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज वर्क. आई थिंक इज लुकिंग ग्रेट और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने. वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग द मूवी. रमेश सौरानी, जय शेवक रमानी, को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, वेरी नियर टू मी. वर्क विद देम अर्लियर ऑन अ फिल्म एंड I'm here in support for them and I'm sure it's going to be a great film. Looking forward to it. Lots of action, lots of glamour, fun, a great story. I enjoyed Race 1, so Race 2 is going to be bigger, better. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के दिल पर राज करता है बॉलीवुड का एक एक्टर. कौन है वो एक्टर, खुद अनुष्का बताएगी ना नेक्स्ट स्टोरी. यू रियली हैव टू आस्क मी दैट क्वेश्चन. ऑब्वियसली शाहरुख खान ना. शाहरुख खान है अनुष्का के मोस्ट रोमांटिक हीरो. ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन. ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, एवरीवेयर, बैकड्रॉप, लाइक एवरीथिंग शाहरुख खान. ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, अनुष्का शाहरुख की एक आम फैन की तरह है उनकी दीवानी. He respects women a lot, and I think that is something that to me is extremely nice. Everywhere, backdrop, like everything, शाहरुख खान. अनुष्का बॉलीवुड की कुछ ही एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्हें अपने करियर की शुरुआत में ही शाहरुख के साथ 2 रोमांटिक फिल्म्स करने का मौका मिला है और यही वजह है कि अनुष्का पर छाया हुआ है शाहरुख का जादू. रिसेंटली एक ज्वेलरी ब्रांड के सीजन ऑफ लव कलेक्शन को लॉन्च करने पहुंची अनुष्का थी काफी रोमांटिक मूड में. तभी तो लव और रिलेशनशिप की बातों से दूर भागने वाली अनुष्का ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में खूब बात की. नो, सैडली नो, No one's ever given me anything on Valentine's Day. मैं क्या करूँगा मेरे पास कोई है नहीं किसी को रिंग देने के लिए मैं कहाँ से लेके आऊँ? Well अनुष्का, it's really hard to believe कि आज तक आपको किसी ने Valentine's Day पर कुछ गिफ्ट नहीं दिया और साथ आपकी लाइफ में कोई नहीं है इस बात पर भी विश्वास करने का मन नहीं करता। Still अनुष्का ने यहाँ हमें ये जरूर बताया वो अपने वैलेंटाइन से क्या एक्सपेक्ट करती है। It's a very subjective thing. To me, I prefer simplicity. I think I find love in very small gestures, not with like big display of, you know, like in large ways, like I don't know what booking one whole restaurant and all that. मुझको 2-3 चाटे मारने का मन करेगा। Well तो सुना आपने, अगर आप अनुष्का को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो सिंपलिसिटी का ख्याल आपको रखना होगा और साथ इस वैलेंटाइंस डे अनुष्का के करीब रहने की कोशिश कीजिएगा। एस अनुष्का ने सबके सामने प्रॉमिस किया है कि इस वैलेंटाइन डे को वो किसी लड़के को देने वाली है एक रिंग। मैं क्या करूँगा मेरे पास कोई है नहीं किसी को रिंग देने के लिए मैं कहाँ से लेके आऊँ बट ठीक है चलो सर फाइंड अ गुड लुकिंग गाय ऑन 14th I promise you, I think ये लड़का बड़ा handsome है, मैं जाके उसको रिंग दे दूंगी। और आपको बॉलीवुड एक्टर से किसी भी तरह के कंपटीशन की फिक्र नहीं करनी है क्योंकि अनुष्का अपने को-स्टार को रिंग नहीं देने वाली। नहीं को-स्टार तो मैं कोस्टार को उनके पास बहुत पैसे हैं वो खुद खरीदेंगे अपनी रिंग्स। Well, तो अगर आप हैं अनुष्का के दीवाने तो 14 फरवरी को जरूर अनुष्का के पास बन ठनकर पहुँच जाइएगा हो सकता है आपका लक काम कर जाए। फॉर रोशनी दुबे जूम मुंबई। रिसेंटली अमिताभ बच्चन और कुछ सिंगर्स पहुंचे एक इवेंट पर एक नोबल कॉज को प्रमोट करने और यहां अमित जी ने मीडिया के साथ की बात। टेक अ लुक। अमिताभ बच्चन और म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव की जोड़ी फिर एक बार तैयार है ऑडियंसेस को एंटरटेन करने और पहली बार की तरह इस बार भी ये दोनों सेलेब्स एक कॉज को सपोर्ट करने के लिए साथ आए हैं। मुंबई पर हुए 26/11 हमले के बाद आदेश श्रीवास्तव ने वादा किया था कि वो अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और यहाँ से मिलने वाले पैसों को हमले में शहीद हुए जवानों के फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा और अब फाइनली ये कॉन्सर्ट 30 जनवरी को मुंबई में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है जहां अमिताभ बच्चन भी लाइव परफॉर्म करेंगे और इस इवेंट को प्रमोट करने पहुंचे बिग बी ने मीडिया को अपने सिंगिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। देखिए मुझे बिल्कुल ये नहीं मालूम कि कौन सा राग है, ये जो बगल में बैठे हैं ये कुछ कहते हैं कि ये धुन है इसको गा दीजिए आप, तो प्रयत्न करता हूँ मैं। उसके बाद असली बात तो ये है कि उसके बाद बहुत सारे ऐसे मशीन हैं जो बेसुरे को सुर में डाल देती हैं। उस मशीनों का उपयोग करने के बाद जाकर के ये आप सुनना है। साथ ही यहाँ इस कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर आदेश श्रीवास्तव ने पूरे म्यूजिक फ्रेटर्निटी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कॉज इतना अच्छा है तो मैं पूरी इंडस्ट्री का शुक्रगुजार हूँ और सब मेरे जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जितने जुड़े सब बड़े फनकार हैं, सब ने अपना अपना समय निकाल कर मेरे साथ जो मुझे सहयोग दिया है। ये मेरे अकेले का काम नहीं है तो ये हम एक इंडस्ट्री का पूरा एक परिवार आप समझ लीजिए, ये सबके बगैर सहयोग के ये नामुमकिन था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इन सबके। वेल आदेश, वी होप इस कॉन्सर्ट से आपको काफ़ी पैसे मिले जिससे आपका ये नोबल कॉज सक्सेसफुल साबित हो। फॉर आरती दानी जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे फिल्म आकाशवाणी के एक्टर्स से। रिसेंटली फिल्म आकाशवाणी के एक्टर्स पहुंचे जूम के ऑफिस और यहाँ इन स्टार्स ने अपनी फिल्म के बारे में हमारे साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। हाय कार्तिक, हाय नुसरत, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। I need to ask you this question first, but we heard this entire story where you were eating 25 eggs. Oh. अंडे का फंडा, please tell me about that. अंडे का फंडा कुछ नहीं है, I think बहुत पहले की बात है जब मैं रजत का कैरेक्टर निभा रहा था प्यार का पंचनामा। I think that time I was not lean, आप कुछ बोल नहीं सकते, वो एक lanky बहुत ज़्यादा ही पतला इंसान था उस टाइम में और काफी ही हद तक मतलब बहुत अजीब सा था मैं। I think so। नहीं नहीं ठीक था। उसके बाद he's being modest and honest। नहीं उसके बाद I think जब आकाशवाणी के प्रिपरेशन के लिए मेरे को प्रिपेयर करना था बेसिकली आकाश के लिए, तो then I had to like gain 12 kgs or something and then reduce 8 kgs so that वो एक कुछ फंडा होता है बेसिक जिम का कि आप अगर अजीब सी बॉडी लेकर पैदा हुए हैं तो आपको पहले बढ़ाना होता है बॉडी, फिर घटा के मस्कुलर करना होता है सो दैट यू लुक गुड ऑन स्क्रीन. और तो वैसा फंडा था. तो तब मैं 25 अंडे खाता था बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, लाइक एन एगिटेरियन. सो नॉन वेज से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, वेज में इतना नहीं था. टेक्स लॉन्गर आई गेस, टेक्स लॉन्गर या. तो हाँ, मेरे पास एग्जी सोल्यूशन था. तो 25 अंडे अभी नहीं है, अभी पता नहीं कैसे खाता था. No idea. Oh, you guys are really young, so I must ask you all this. That do you think, as young people, is sex very overrated in our country, whether it's on screen or whether it's off screen? I don't know. I think it's also depending on the society you're in. I mean, if I was, and I've said this earlier also. Someone asked me, are you comfortable doing a kissing scene? Yeah. And my answer is, in Bombay, on the roads, I don't walk around kissing people. You know what I'm saying? So when I'm not comfortable doing that in my real life, I can't do that on screen. As an actor, for me, that connect and being able to do that doesn't happen. But if you talk about Akash and Vani in a relationship for 4 years, and they're together, and they're, if you've seen the song Rumani, they're in bed, they're sleeping together, and he kisses me on the cheek. And if I kiss him back, I kiss him back. For me, that's normal because that's what a couple would do in that setup, in that situation. I believe that, but I don't think Akash and Vani would walk down a bazaar and be, you know, doing things. मेरी मम्मी रोई थी जब मैंने अरे पूछो मत जब मैंने yeah she cried because she saw me kissing on screen, so she was like कि ऐसे कैसे अपने पढ़ाई के लिए भेजा था, किस करके आ गया, कर रहा है. Super talking to the two of you. Akashvani, thank you for being on our show and wish you good luck with your film. Thank you. Thank you so much. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. Recently, Zoom Pulse का ऑनलाइन पोल सवाल था, Which is your favorite सलमान खान मूवी? इस क्वेश्चन के लिए ऑनलाइन पोल में टोटल 5,099 वोट्स हमारे पास आए, जिसमें 54% के साथ सलमान की फिल्म दबंग 2 रही पहले पोजीशन पर, 23% वोट्स के साथ एक था टाइगर रही सेकंड पोजीशन पर, वहीं दबंग भी 23% वोट्स के साथ रही तीसरे नंबर पर. अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/ZoomTV पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में. मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरवुमन जूलिया मोर्ले रिसेंटली विजिटेड इंडिया और हमने उन्हें स्पॉट किया 58th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स में विद मिस वर्ल्ड यू वेंगजिया और यहाँ उनसे जूम ने की एक्सक्लूसिव चिट चैट. लिसन अप. Julia Morley, who is the chairwoman of the Miss World organization, ने recently attend किया the 58th Idea Film Fair Awards और उनके साथ यहाँ आई मिस वर्ल्ड 2012 यू वेंशिया. इसी खास इवेंट पर जूलिया और यू वेंशिया ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात भी. जूलिया मॉली seemed quite excited when we spotted her at the red carpet. It's been a long but wonderful day. We've been at the marathon and we've been doing a lot of exercise. So now we are looking forward to sitting down and seeing all these amazing stars. Red carpets, first of all, conjure up all the excitement of, and it must be very exciting for the stars wondering who is going to win. And I just think it's for them a very special evening and for us a great privilege to share it with them. वेल, यही नहीं, जूलिया ने हमें ये भी बताया कि उनकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है. Aishwarya Rai. She has always been my favorite. Since Miss World Yu Wenxia has come to India for the first time, हमने उनसे उनका एक्सपीरियंस जानना चाहा. तो सुनिए उनका क्या कहना था. I'm very enjoyed come India because I'm first time coming here, so I'm very happy and excited. Well, not just this. Julia also told us कि वो 58th Idea Film Fair Awards attend करने के बाद क्या करने वाली हैं. Study more with the Muktangan children and the school. We're going tomorrow to spend time because we like very much the project. We believe in it and we feel that this project of Muktangan should go all over the world. So our job is to try and promote it and then take it around the world. So you have such a brilliant idea here about helping mums and children that we've been really excited about coming to support it. We wish you both all the very best for Muktangan project. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। टिल देन कीप वाचिंग ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।